अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एमसीक्यूज की तरफ। पहला, अ कॉस्ट ड्राइवर इज इट एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अ कॉमन कॉस्ट विच इज शेयर्ड ओवर कॉस्ट सेंटर्स, एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट या एन एक्टिविटी विच जनरेट्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ड्राइवर इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन डी। देन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड बाई एक्टिविटी यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नाउ इसमें नेचुरली हमारा आंसर निकलता है नॉर्मली कॉस्ट ड्राइवर्स, विच इज रॉन्ग। इसका आंसर है कॉस्ट पूल। द क्वेश्चन सेज कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाई एक्टिविटी यूजिंग। एक्यूमुलेट किस में होती है? एक्यूमुलेट कॉस्ट पूल में होती है, कॉस्ट ड्राइवर से अलोकेट होती है, अप्लाई होती है, एक्यूमुलेट नहीं होती है। ठीक है, द आंसर इज कॉस्ट पूल। देन अ कॉस्ट ड्राइवर इज अ फोर्स बिहाइंड द ओवरहेड कॉस्ट, इज एन अलोकेशन बेस, इज अ ट्रांजेक्शन दैट इज सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। इट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इट इज ऑल ऑफ दिस। यहां पे ये तीनों भी चीजें कॉस्ट ड्राइवर होती है। देन क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। आपको एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर दिया है और पूछा है कौन सा वाला करेक्ट मैच नहीं है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, डिस्पैचिंग के लिए नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर्स, गुड्स रिसीविंग के लिए गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर्स, इंस्पेक्शन के लिए मशीन अप्स। यहां पे द लीस्ट अप्रोप्रिएट मैच इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मशीन कितनी देर चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी मशीन 15 घंटे भी चले तो उससे इंस्पेक्शन को कितना टाइम लगता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी। इंस्पेक्शन और मशीन आर्स ये प्रॉपर लिंक नहीं है। क्वेश्चन फाइव में छोटू सा करेक्शन है। ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सनल आर नॉट द अप्रोप्रिएट ड्राइवर्स, दे आर। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेशन गलत है, ये बुक का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मेशन थोड़ा गलत है। व्हाट दे नीड इज विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के लिए विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर। पहला, द नंबर ऑफ परचेज सप्लाइज एंड कस्टमर्स ऑर्डर्स ड्राइव्स द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यू मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। क्या बोल रहा है वो? नंबर ऑफ परचेज का लिंक न्यू मटेरियल इन्वेंट्री से है। देन इट सेज सप्लाइज एंड कस्टमर्स ऑर्डर, सप्लाइज का लिंक वर्क इन प्रोग्रेस से है एंड कस्टमर्स ऑर्डर का लिंक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से। ये तीन चीजें ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ, ये तीन चीजें, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अंडरटेकन ड्राइव्स द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग। देन सी, द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड ड्राइव्स द कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। एंड डी, द नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर ड्राइव्स द पैकिंग कॉस्ट। नाउ विच वन ऑफ दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज ऑप्शन सी। द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड विल नॉट डिसाइड द कॉस्ट, द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशूड विल डिसाइड द कॉस्ट। ठीक है, कितने क्वांटिटी में जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले का कॉस्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो लीस्ट अप्रोप्रिएट है कॉस्ट ड्राइवर, दैट इज ऑप्शन सी। स्टेप्स इन एबीसी इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड द रिस्पेक्टिव कॉस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एन अलोकेशन रेट पर एक्टिविटी, allocation of overhead cost to product or services based on activities involved, yeah, all of the above।
It is actually all of the above. ठीक है, इट इज ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे तीनों ही चीजें एबीसी के स्टेप्स का पार्ट होती है. आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हो, उसका कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालते हो, उस रेट के बेसिस पर एलोकेट करते हो. तीनों ही चीजें एबीसी में आती है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एबीसी? एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, बेटर कंट्रोल ऑन एक्टिविटी एंड कॉस्ट, रिडक्शन इन प्राइम कॉस्ट. यहां पे रिडक्शन इन प्राइम कॉस्ट, दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एबीसी. एबीसी यूज करने से आपके कॉस्ट कम नहीं हो जाते हैं, आपको आपके कॉस्ट का अलोकेशन बेटर समझता है, कॉस्ट कहां अप्लाई हो रहे हैं ये बेटर समझता है. ठीक है, वो आपके कॉस्ट एक्चुअली रिड्यूस नहीं करता है. देन द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एबीसी इंस्टॉल करने में कौन सा स्टेप नहीं आएगा? बोरिंग फंड, फिजिबिलिटी स्टडी, बिल्डिंग अप नेसेसरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइन एम्प्लॉइज, स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू चेन एनालिसिस. तो इनमें से विच ऑफ द स्टेप इज नॉट नेसेसरी? इट इज बोरोइंग फंड. बोरोइंग फंड इज नॉट नेसेसरी. ऑब्वियसली आप जब एबीसी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको पैसा उधार लेना जरूरी नहीं है, बाकी तीन चीजें लगेगी. Then question 9th. Which of the following statements are true? Activity based management involves activity analysis and performance measurement. Activity based costing serves as a major source of information in ABM. Now according to me both the statements are correct. लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि institute भी उसको नहीं बोल रहा है. द रीजन इज इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बोल रहा है? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट. ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पहले जब आया था एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में. बुक के हिसाब से इट इन्वॉल्व एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस. It requires, it involves activity analysis and performance analysis, not performance measurement. ठीक है, तो क्योंकि यहां पे performance measurement दिया है, this statement becomes false. और second जो है, activity based costing serves as a major source of information in ABM, that is true. ये ऊपर अपना इसमें cover हुआ है, theory part में cover हुआ है. ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे ट्रू क्यों लग रहा है? बिकॉज परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो लगेगा ही आपको. एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट अगर करना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस चाहिए, और परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट तो लगने ही वाला है. ठीक है, बट स्टिल दे आर बाइफर्केटिंग, दे आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिसिस. हम भी करें. एंड टेंथ, द की एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आर type of activity to be performed, quantity of activity, cost of activity to be performed, yeah, all of the above. It is all of the above. Again, activity based budgeting dekhoge to usme ye tino activities aa jati hai, tino cheeze aa jati hai, type, quantity and cost. Theek hai, these are the MCQs, theoretical questions aapko karna hai. Moving on to the practical question. Question first. RST Limited specializes in the distribution of pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies and resells to each of the three different markets. ठीक है, manufacturer नहीं है, reseller है. Pharmaceutical company से खरीदना है और resell करना है different markets में. Which markets? General supermarket chains, drugstore chains and chemist shops. इन तीनों को distribute करना है. ठीक है. The following data for the month of April 2019 in respect of RST Limited has been reported. What has been given? Average revenue per delivery, average cost of goods sold per delivery or number of deliveries. ये दिया है for all the three markets. ठीक है, number of deliveries दिया है और हर delivery में कितना revenue और कितना cost लग रहा है ये भी दिया है.
In the past, RST Limited has used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of its distribution channels. In the past, RST Limited has used gross margin percentage. It has used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of its distribution channels. Now, the company plans to use activity-based costing for analyzing the profitability of its distribution channels. पहले ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस यूज कर रहे थे, अब दे वांट टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज अंडर. पांच एक्टिविटीज दी है. कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग इज टू बी बेस्ड ऑन परचेस ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स. देन लाइन आइटम ऑर्डरिंग इज टू बी बेस्ड ऑन line items per purchase order. Then store delivery is to be based on store deliveries. Then cartons dispatched to stores is to be based on cartons dispatched to store per delivery. Then shelf stocking at customer store, hours of shelf stocking. तो पांच activities दी है और उन पांचों के लिए cost driver क्या आएंगे ये बता के रख दिया है. Fine. The April 2019 operating cost, which is other than the cost of goods sold of RST Limited, are ₹8,27,970. These operating costs are assigned to five activity areas. ये जो पांच activity area ऊपर दिए हैं, उन पांचों में assign किए हैं. Now the cost in each area and the quantity of the cost allocation basis used in that area for April 2019 is as follows. अब आपको पांचों activity area के लिए total cost दिया है और उसके cost allocation के basis की quantities दी है. Basis तो आपको ऊपर ही दे दिए थे, यहाँ पे basis की actual quantities मिली है आपको. ठीक है. Now, other data. Total number of orders, average number of line items, total number of store deliveries, तीनों मार्केट में कितनी है ये बताया है. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, यहां से आपको कॉस्ट ड्राइवर का रेट पर यूनिट मिलेगा. जो कॉस्ट ड्राइवर का एक्टिविटी रेट पर यूनिट निकालते हैं अपन, वो मिलेगा. यहां से आपको यह समझेगा कि किस मार्केट में कितना अप्लाई करना है, किस मार्केट में कितना अप्लाई करना है. व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कंप्यूट फॉर अप्रैल 2019 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स थ्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम. तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज और आरएसटी लिमिटेड की ऑपरेटिंग इनकम ये चाहिए. Then compute the April 2019 rate per unit of the cost allocation base for each of the five activity areas. Rate per cost activity, per activity, जो भी driver रहेगा आपका, वो चाहिए. And compute the operating income of each distribution channel in April 2019 using the activity based costing information. अब हर channel की information चाहिए, हर segment की. ठीक है, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स एंड व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन. तीन चीजें पूछी है, एक एक करके देखते हैं. पहली चीज क्या पूछी है, विल फर्स्ट वर्क आउट दैट. कंप्यूट फॉर अप्रैल 2019 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम. तीनों चैनल का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस चाहिए और पूरी कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम चाहिए. ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग दैट. दिस इज क्वेश्चन वन ऑन पेज 10. पहली चीज जो चाहिए दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस. Calculation of gross margin percentages and
total operating income. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस एंड टोटल ऑपरेटिंग इनकम, तो पर्टिकुलर्स के साथ वी नीड तीनों सेगमेंट्स, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड टोटल. ठीक है, टोटल भी लगेगा, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगेगा. Particulars, तीनों डिपार्टमेंट के नाम, दैट इज जनरल, सुपरमार्केट चेन्स एंड ड्रग स्टोर चेन्स. केमिस्ट शॉप्स, ठीक है. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस चाहिए, फाइन. वी नो द एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, अपने को एवरेज रेवेन्यू एक डिलीवरी का मालूम है. एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक डिलीवरी का मालूम है. तो इतने पैसे, कैन वी फाइंड आउट द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज. ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस जीपी अपॉन सेल्स. जीपी कहां से आता है? सेल्स माइनस सीओजीएस. तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है और मेरे पास सीओजीएस है. एक डिलीवरी के लिए भी हो तो भी परसेंटेज तो वही रहेगा. तो परसेंटेज निकालने के लिए आप एक डिलीवरी पे ये सब कुछ निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो विल से एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मतलब ये. तो एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी कितना है? तो दिस इज 84975. This is 28875 and this is 5445. Less average cost of goods sold per delivery. Average cost of goods sold per delivery. We'll say less average COGS. This is what? 82500. 27500, 4950. ठीक है, दिस विल बी जीपी पर डिलीवरी. दिस विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट पर डिलीवरी. So this is 2475 1375 495. ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल नहीं कर सकते आप, उनकी नंबर ऑफ डिलीवरी सेम नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी सेम नहीं है तो आप सीधा उनको एवरेज को ऐड अप नहीं कर सकते. अब वी कैन फाइंड आउट द जीपी परसेंटेज. जीपी परसेंटेज कैसे मिलता है? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू. जीपी अपॉन रेवेन्यू पहले वाले के इट विल बी 2475 डिवाइडेड बाय 84975 is 2.91%. दूसरे वाले के लिए 1375 divided by 28875 it will be 4.76%. Then 495 divided by 5445 का percent it is 9.09%.
ठीक है, ये हो गए जीपीएस। अपने से जो पहली चीज मांगी थी दैट वाज दिस, वी नीडेड तीनों के ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस। ठीक है, व्हाट डिड द क्वेश्चन आस्क? कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस फॉर ईच ऑफ द थ्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, निकल गए। ऑल्सो कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, हम लोगों ने ये जो निकाला है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट पर डिलीवरी। मैं अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज करता हूं तो मुझे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो आई विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिलीवरीज। नंबर ऑफ डिलीवरीज आपको क्वेश्चन में दी है, ये यहां पे दी है, इट इज 330, 825 एंड 2750 डिलीवरीज। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज इट इज 330, 825 एंड 2750, दीज आर द नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा हमको, टोटल जीपी। टोटल जीपी कैसा मिलेगा? दिस विल बी नंबर ऑफ डिलीवरीज इनटू एवरेज जीपी। तो जैसे जनरल सुपरमार्केट के लिए है, इट इज 2475 रुपीज पर डिलीवरी, मल्टीप्लाइड बाय 330 हो जाएगा, दैट इज 816750। देन सेकेंड के लिए आएगा 1375 इंटू 825, दैट इज 1134375। एंड तीसरे के लिए इट विल बी 495 इंटू 2750, दैट इज 1361250। टोटल कम्स एज 331275। दिस इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। अपने से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मांगा है, अपने से ऑपरेटिंग इनकम मांगी है। और आपको ये बोला है कि अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देर आर ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। कितने? 827970 रुपीज के। तो 827970 रुपीज के कॉस्ट इन्वॉल्व है। फाइन, ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है, और ये टोटल में से सब्ट्रैक्ट होगा सीधा। दिस इज 827970। दिस इज ऑपरेटिंग इनकम। इट इज 248445। 248445 ये अपने से फर्स्ट क्वेश्चन में मांगा था। तो अपने से दो चीजें मांगी थी, एक आपको परसेंटेजेस चाहिए थे डिपार्टमेंट वाइज, मतलब मार्केट वाइज ग्रॉस मार्जिन के, और दूसरा कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग इनकम चाहिए था। तो दोनों चीजें मिल गई आपको। द कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम इज 248445। द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। सेकेंड पार्ट के लिए क्या मांगा है? सेकेंड पार्ट के लिए आपको बोला है कंप्यूट द अप्रैल 2019 पर यूनिट रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। रेट पर यूनिट चाहिए फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। तो ये मुझे दिए है टोटल कॉस्ट,
और ये दिए हैं कॉस्ट के ड्राइवर्स, मुझे सिर्फ डिवाइड करके रेट पर यूनिट निकालना है। तो मैं ये टेबल एज इट इज यूज कर सकता हूँ या एक और कॉलम बढ़ा दूंगा रेट पर यूनिट का, ठीक है। तो द सेकेंड पार्ट इट विल बी कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट एक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है, जो लास्ट कॉलम आएगा वो रेट का आएगा, सेकेंड लास्ट कॉलम विल बी फॉर द क्वांटिटी एंड दिस कॉलम विल बी फॉर कॉस्ट। दिस विल बी एक्टिविटीज that cost, then this will be quantity, total units of cost allocation base. So we can say it is the quantity of cost allocation base. And cost driver रेट पर यूनिट, ठीक है, ये आएगा टेबल। व्हाट आर द एक्टिविटीज, पहला कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग द कॉस्ट given is 2,20,000 and it is for 5,500 orders. Then second is line item ordering, itta cost for itta line items. So the second thing is line items ordering. The cost is 175,560 for 58,520 line items. तीसरा चीज जो आपको दिया है दैट इज स्टोर डिलीवरी, ये कॉस्ट इतनी नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो स्टोर डिलीवरीज 195,250 for 3,905 store deliveries. Then similarly carton dispatched to store. Cartons dispatched to store, it is 2,09,000 rupees and it is for 2,09,000 cartons. Then shelf stocking at customer store,
is 28,160 rupees for 1760 hours. ये आपको दिया है पूरा. अब वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ड्राइवर रेट पर यूनिट. तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया है और अलोकेशन का बेस दिया है. तो जैसे पहला है, पहला क्या आएगा, इट विल बी 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500 ऑर्डर्स. तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,500 ऑर्डर्स, इट कम्स एज रुपीज 40 पर ऑर्डर. रुपीज 40 पर ऑर्डर. सेकेंड वाले के लिए कॉस्ट और लाइन आइटम्स दिए हैं. इट विल बी 175,560 डिवाइडेड बाय 58,520. इट विल बी रुपीज 3 पर लाइन आइटम. रुपीज 3 पर लाइन आइटम. देन 195,250 डिवाइडेड बाय 3,905. That comes as rupees 50 per store delivery. Rupees 50 per store delivery. ये तो दोनों 2,09,000 है, तो it will be rupee 1 per carton. Rupee 1 per carton. और यहां पे this will be 16 rupees per hour. It will be 16 rupees per hour. ठीक है. तो जो second question था, that was to find out the rate per unit of each cost driver. तो जैसे customer purchase order processing था, that is 40 rupees per order. Then line items ordering था, that was 3 rupees per line item. Store delivery था, that came out to be 50 rupees per store delivery. Then cartons था, तो वो 1 रुपया per carton आया. And shelf stocking था, so that came as 16 rupees per hour. ठीक है. तो ये आ गया rate per unit of each cost driver. Now तीसरे इसमें actually इसको apply करने के लिए बोला है आपको. The third question is, compute the operating income of each distribution channel in April 2019 using activity-based costing information. Comment on the result and what new insights are available with the activity-based costing information. ठीक है. तो operating income for each distribution channel using ABC. अभी आपको ये देखना है कि ठीक है, ये 2,20,000 रुपए आपने 5,500 ऑर्डर पे डाले तो 40 रुपया पर ऑर्डर आया. अब ये देखो कि जो आपके तीनों मार्केट सेगमेंट है उसमें से किस सेगमेंट ने कितने ऑर्डर्स दिए. सिमिलरली ये रुपीज 3 पर लाइन आइटम है, ये देखो कि किसने कितने लाइन आइटम्स कंज्यूम किया. दिस इज रुपीज 50 पर स्टोर डिलीवरी, किसने कितनी स्टोर डिलीवरीज करी उसके हिसाब से अब ये कॉस्ट बांटना है. ठीक है, अमंग दोस थ्री मार्केट्स. तो तीसरा विल से कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. For each distribution channel, तो particulars के साथ आपका तीनों distribution channel आएंगे.
from the particulars. The three channels, that is general, supermarket chains, drugstore chains, chemist shops. Fine. Now we need operating income for each. अभी मैं चाहे एबीसी से डिस्ट्रीब्यूट करूं या नहीं करूं, जो टोटल रेवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, हर प्रोडक्ट का, चाहे मैं एबीसी यूज करूं या नहीं करूं। एबीसी से फर्क किसका पड़ता है, मतलब दिस टेबल जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था, दैट विल रिमेन सेम। सिर्फ इतना है, एबीसी से फर्क ये पड़ेगा कि जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब वो सब में बढ़ जाएंगे, जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सब में बढ़ जाएंगे, वो सारे इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो आपके तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बांट दोगे और तब सबके ऑपरेटिंग इनकम्स आपको मिलेंगे। तो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट आवर स्टेटमेंट विद द ग्रॉस प्रॉफिट्स, वी कैन स्टार्ट आवर स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे विद द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने निकाली है, तो हम वहां से शुरू कर रहे हैं सीधा, ठीक है, हम वापस वैसा नहीं कर रहे कि रेवेन्यू माइनस सीओजीएस वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही ले लो। दिस इज व्हाट 816750, दिस इज 1134375। Then 1361250. This is the gross profit. Now we need to reduce each of the cost. ठीक है, gross profit के बाद जो operating cost है, अब उसके टुकड़े करना है। The first cost is customer purchase order processing. The first cost is customer purchase order processing. ठीक है, हमने रेट क्या निकाला है उसका, हम लोगों ने उसका 40 रुपया पर ऑर्डर का रेट निकाला है, मतलब 40 रुपया पर ऑर्डर के हिसाब से हम लोग चार्ज करने वाले हैं। अब ये देखो कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने कितने ऑर्डर्स लिए, तो वो आपको नीचे दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां दिया है और रेट जो दिया है वो 40 का दिया है। तो जैसे जनरल सुपरमार्केट है, 385 ऑर्डर्स है एंड यू नीड टू चार्ज एट 40 रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है, तो ऐसा हम तीनों को चार्ज कर देंगे, तो जनरल सुपरमार्केट का होगा ₹40 इंटू 385 ऑर्डर्स। सिमिलरली ड्रग स्टोर चेन का होगा ₹40 इंटू 990 ऑर्डर्स, दिस विल बी ₹40 इंटू 4125 ऑर्डर्स, ये कितना होता है, दिस इज 15,400। ठीक है, नाउ जस्ट टू क्रॉस चेक, मैं ये देख रहा हूं, ये प्लस ये प्लस ये तीनों कॉस्ट ऐड अगर मैं करता हूं तो आई गेट 2,20,000 बराबर, विच मीन्स मेरा कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट है वो सब में बराबर बढ़ गया है, ठीक है, वो बराबर बढ़ गया है, तो दैट हैज बीन डन, तो कस्टमर परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉस्ट,
It is line items ordering. The next cost is line items ordering. So line items ordering. रेट क्या निकाला है? तो द रेट दैट वी फाउंड आउट वाज रुपीज 3 पर लाइन आइटम. रुपीज 3 पर लाइन आइटम. तो देखो किसने कितने लाइन आइटम्स यूज किया. 3 रुपया पर लाइन आइटम है. फाइन. यहां पे एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स दिस इज 14 12 एंड 10. ठीक है, तो 3 रुपए का रेट है. अब यहां पे सबसे बड़ी गलती होती है, कॉमनली होती है. ठीक है, 14 ये टोटल लाइन आइटम्स नहीं है. ये जो 14 है दिस इज लाइन आइटम्स पर ऑर्डर. दिस इज लाइन आइटम्स पर ऑर्डर. ठीक है, यू विल हैव टू एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. एक ऑर्डर का 14 लाइन आइटम्स है. ऐसे 385 ऑर्डर्स है आपके. 385 इंटू 14 दिस विल बी 5390 लाइन आइटम्स. ठीक है, यहां भी सिमिलरली इट विल बी 12 इंटू 990 दैट विल बी 11880. और यहां पे ये हो जाएगा 41250. इसका इसका और इसका अगर मैं तीनों का एडिशन करके देखूं तो व्हाट डू आई गेट. आई गेट टोटल एज 58520 जो कि अपने टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स थे. जो कि अपने टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स थे. तो वो कॉस्ट बांटने के लिए आपको लाइन आइटम पर ऑर्डर नहीं देखना है. ठीक है, टोटल लाइन आइटम्स देखना है. दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट. नाउ लिखेंगे ऐसे, इट इज 3 rupees पर लाइन आइटम मल्टीप्लाइड बाय 14 लाइन आइटम्स पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 385 ऑर्डर्स. ठीक है, तो इट विल बी बेसिकली 3 rupees मल्टीप्लाइड बाय 14 लाइन आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 385 ऑर्डर्स. सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा, 3 rupees मल्टीप्लाइड बाय 12 लाइन आइटम्स. 12 लाइन आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 990 ऑर्डर्स. देन तीसरे वाले के लिए इट इज रुपीज 3 इंटू 10 लाइन आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 4125 ऑर्डर्स. 4125 ऑर्डर्स तो ये कितना आता है, दिस विल बी 16170. This will be 35640. Then this will be 123750. ठीक है, तीनों को अगर एड अप किया तो वी गेट 175560 विच इज दिस कॉस्ट. ये क्रॉस वेरीफाई करके देख लिया करो, नॉर्मली आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपने वो कॉस्ट बांटी है जो सही बांटी है कि नहीं बांटी है. तो वी गेट दिस 175560. तो सेकंड चीज बढ़ गई. थर्ड वन, इट इज द स्टोर डिलीवरीज. रेट लिया है 50 rupees पर स्टोर डिलीवरी का. तो दिस इज स्टोर डिलीवरीज. 50 rupees पर डिलीवरी का है. डिलीवरीज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज आपको दिया है 330, 825 और 2750. तो स्टोर डिलीवरीज मालूम है, रेट मालूम है, रेट 50 rupees का है अभी ऊपर देखा अपन ने. तो
निकाल लो, दिस विल बी रुपीज 50 इनटू 330 डिलीवरीज, दिस विल बी रुपीज 50 इनटू 825 डिलीवरीज, दिस विल बी रुपीज 50 इनटू 2750 डिलीवरीज, कितना आता है 16,500. This is 41250. This is 137,500. और तीनों का एडअप किया तो वी गेट 195,250, विच इज दिस. मतलब स्टोर डिलीवरीज भी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज द कार्टन्स डिस्पैच्ड टू स्टोर. द रेट इज 1 रुपी पर कार्टन. तो नेक्स्ट इज कार्टन्स डिस्पैच्ड टू स्टोर्स, 1 रुपी पर कार्टन है. देख लो किसने कितने कार्टन इशू किए. तो एवरेज नंबर ऑफ कार्टन्स शिप्ड फॉर स्टोर डिलीवरी 380 और 16, बट इट इज फॉर स्टोर डिलीवरी. वापिस सेम प्रॉब्लम है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज. तो 300 कार्टन तो एक स्टोर डिलीवरी का जा रहा है, ऐसे 330 डिलीवरीज जा रही है. मतलब टोटल 99,000 कार्टन्स जा रहे हैं. एट व्हाट रेट? 1 रुपी. दिस विल बी 300 कार्टन्स इनटू 330 डिलीवरीज इनटू 1 रुपी. ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा 1 रुपी इनटू 300 कार्टन्स इनटू 330 डिलीवरीज. दूसरे वाले के लिए आएगा 1 रुपी इनटू, दिस विल बी 80 कार्टन्स इनटू 825 डिलीवरीज. तीसरा वाला आएगा 1 रुपी इनटू 16 कार्टन्स इनटू 2750 डिलीवरीज. यहां आ जाएगा 99,000 44,000. टोटल 209,000 आता है. ये आएगा टोटल 209,000. That is the cartons dispatched to stores. ठीक है, then the last one is shelf stocking at customer store. Shelf stocking at customer store. रेट क्या है उसका आपके पास? 16 रुपीज पर आवर. फाइन, देख लो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितना लगता है आपको. इट इज 3.6 एंड 0.1, बट दिस इज एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर स्टोर डिलीवरी. दिस इज एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर स्टोर डिलीवरी. This will also have to be multiplied by the number of deliveries. ठीक है, तो एक डिलीवरी का 3 आवर्स लग रहा है, ऐसे 330 डिलीवरीज होने वाले हैं.
मतलब टोटल 990 आवर्स एंड द रेट इज 16 रुपीज पर आवर जो हम लोगों ने यहां निकाला ऊपर, ठीक है, इट इज 16 रुपीज पर आवर, ठीक है. तो दैट विल बी टेकन हियर, 3 आवर्स इंटू 330 डिलीवरीज इंटू 16 रुपीज पर आवर. यहां पे क्या लिया जाएगा, इट विल बी रुपीज 16 इंटू 3 आवर्स इंटू 330 डिलीवरीज, देन हियर रुपीज 16 इंटू दिस विल बी 0.6 आवर्स, उधर 0.6 आवर्स दिया है, इंटू 825 डिलीवरीज, देन 16 इंटू 0.1 आवर इंटू 2750 डिलीवरीज. This will be 15840. This will be 7920. This will be 4400. Total barabar 28160. ठीक है, विच मीन्स दिस इज बीन करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब पांचों कॉस्ट जो है वो बढ़ चुके हैं, पांचों कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट द ऑपरेटिंग इनकम. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सब निकाल के देखो, यहां से सब सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट रिमेन्स इज 6,53,840. ठीक है, वैसे सिमिलरली ड्रग स्टोर चेन में से 11,34,375 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, 39,600, 35,640 माइनस 41,250 माइनस 66,000 माइनस 7,920. That gives us 9,43,965. Then 13,61,250 में से 1,65,000 गया. 1,23,750. 1,37,500. 44,400. This is 8,86,600. ठीक है, मैं तीनों ऑपरेटिंग इनकम की टोटल निकाल के एक बार चेक कर रहा हूं. ठीक है, इट इज कमिंग एज 248,4405. और मैं ये इसके लिए चेक कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी ये निकाला है, इट इज 248,4405. आपकी टोटल ऑपरेटिंग इनकम बदलनी नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं. बराबर, ऑपरेटिंग इनकम तो उतनी की उतनी रहने वाली है, सिर्फ हम लोगों ने अभी तीनों डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी. पहले ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, अब वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. तो ये जो इनकम है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, द टोटल शुड रिमेन सेम. तो यहाँ पे ये जो टोटल आ रही है ये हम लोग क्रॉस चेक करके बता सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट हमको समझ जाता है कि द टोटल इज करेक्ट. तो जो आपसे तीसरा क्वेश्चन मांगा था दैट वाज दिस, द ऑपरेटिंग इनकम्स ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एबीसी यूज करके बता दिया. नाउ द सेकेंड पार्ट इन इट, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स एंड व्हाट न्यू इनसाइट्स आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन. कुछ नया मालूम पड़ रहा है क्या एबीसी होने के बाद, तो कंपेयर इट विद द अर्लियर ग्रॉस प्रॉफिट्स. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने जीपी निकाले हुए, यही अपने टेबल में ऊपर जीपी निकाले हुए. ठीक है, तो मैं वापस को जीपी नीचे लिख रहा हूं.
it is what? 816,750, 11,34,375, 13,61,250. ठीक है, ये जीपी है। प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हुआ वो देखो, जस्ट जनरली ऑब्जर्वेशन, मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए। अगर मैं ये देखूं तो करीब 1.5 लाख से प्रॉफिट कम हुआ है नियर अबाउट, मैं अगर इन दोनों को देखूं तो इट इज नियर अबाउट 1,90,000, और मैं अगर ये देखूं तो द रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 4,80,000। ये 1.5 लाख के आसपास है, ये 2 लाख के आसपास है, ये 4.5 लाख के आसपास चला गया यहां का प्रॉफिट रिडक्शन, विच मीन्स तीसरा डिपार्टमेंट जो है दैट इज केमिस्ट शॉप, इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा घटा है आफ्टर एबीसी। इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा घटा है। व्हाट इज द रीजन? यहां पे उसका रिसोर्स यूजेज देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसको 385 लग रहे हैं, इसको 990 लग रहे हैं, केमिस्ट शॉप को 4125 ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज प्रोपोर्शनेटली वेरी हाई कंपेयर टू द अदर टू। Then average number of line items is also dependent on per order. तो obviously अगर number of orders ज्यादा है तो उसका straight impact line items पे होगा, वो भी ज्यादा होने वाले हैं, उसका cost भी ज्यादा आएगा। Then store deliveries देखो, store deliveries भी यहाँ 330,825, यहाँ पे 2750 हो गई है, which means store deliveries भी ज्यादा हो रही है। और ये दोनों चीजें फिर से स्टोर डिलीवरीज पे डिपेंडेंट है, मतलब ऑब्वियसली उसका भी कॉस्ट इंक्रीज करवाएगी वो। तो बेसिकली द रिसोर्स कंजम्पशन ऑफ केमिस्ट शॉप इज वेरी हाई, इट इज वेरी हाई। और हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में रिसोर्सेज के ऊपर सब कुछ बांटा है, ठीक है। तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा यहां पे, वी से हियर द प्रॉफिट ऑफ केमिस्ट शॉप्स हैव डिक्लाइंड एट अ ग्रेटर रेट एज कंपेयर्ड टू द अदर टू चैनल्स, एज कंपेयर्ड टू द other two channels, ठीक है। ये अपना ऑब्जर्वेशन है। एंड why is that? This is because of the heavy utilization of resources by the chemist shop as compared to the other two channels. Especially the total number of orders and total number of store deliveries. Matlab, which resources are we talking about? The total number of orders and total number of store deliveries. So we'll say especially total number of orders and total number of store deliveries. ठीक है, इसके वजह से केमिस्ट शॉप का मार्जिन जो है वो ड्रास्टिकली कम हो गया, वो ड्रास्टिकली कम हो गया, ठीक है। तो हियर बाय अपना पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट।